मैटर इन अवर सराउंडिंग, पिछले दो दिनों से हम जो हमने पिछले दो दिनों में काम किया, कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस बताई थी, उससे पहले एक ब्रीफ किया था, उसमें कई डेफिनेशंस हमने ली थी और एक इंट्रोडक्शन लिया था, वो मैंने खाली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था। अब डिटेल में आज मैं पढ़ा रहा हूं। डिटेल में पढ़ाने के लिए भी अब आप मंजीत सिंह वाली किताब अगर आप देखेंगे उसमें और दूसरी वाली किताब में, इसमें आपका बेसिकली फर्क क्या है कि दोनों में, एक में आपको एक्सपेरिमेंटल वे में आपका पूरा प्रूफ होकर के आपको मिल जाएगा कि, और दूसरे में आपको नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा। तो आपको कैसे कराया है आप मुझे बताएंगे। बारह, सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो ना वैसे तो मैं केमिस्ट्री में इन चीजों को पढ़ाता बाद में हूं, क्योंकि मैटर इन अवर सराउंडिंग में अगर आप देखेंगे, देखो ये वो सारे मैटर इन सराउंडिंग में आपका, देखो वो सामने वो जो दिखाई दे रहा आपका ना, योर गेटवे टू सक्सेस सेंटर आपका जो लिखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल आपका देखो, ये ऊपर ये नीचे भी पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट देखो आपका, वो जरा की छोटी सी कलर। सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर आप वुड कहेंगे लकड़ी, तो लकड़ी भी आपका क्या है, दैट इज ऑल्सो ए मैटर। आप जो ब्लैक बोर्ड में, जिस ब्लैक बोर्ड में आई एम राइटिंग, वो भी आपका क्या मैटर। जो पेन आई एम यूजिंग, दिस इज ऑल्सो ए मैटर। समझ रहे ना, एवरीथिंग इज मैटर आपका। तो तभी तो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स की बात आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको याद करने के लिए जो दूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा प्लीज। एंड दैट इज केमिस्ट्री में सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं केमिस्ट्री, फिर उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। इट इज द साइंस, ये वो विज्ञान है, नॉट सो मच ऑफ द 118 एलिमेंट्स बट ऑफ इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट बाय या बिल्ट फ्रॉम देम। ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, देखो प्लीज वो देखिए, वो पीरियोडिक टेबल में आपका आपका 118 एलिमेंट है, उसमें आपका देखो पीरियड्स भी हैं, ग्रुप भी, और नीचे लेंथिनाइट सीरीज एक्टिनाइट सीरीज भी है आपका। नाम देखो, अगर मैं यहां से आपको क्लियर इसको करके दूं, जरा इसको देखिए, ये देखो, ये बीच में आपका देखो ना एक है, ये आपका देखो ये ए ग्रुप है, देखो ये पूरा ए ग्रुप है, देखो ये बी ग्रुप है, देखिए आपका ये लेंथेनाइड है, ये एक्टिनाइड है, ये कहां से आया क्या आया, ये सारी चीजें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपका ये डेफिनेशन पे मैंने ज्यादा फोकस किया है कि केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स का विज्ञान है और उनके क्लासिफिकेशन का नाम, केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन होती है। इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स, इसमें 100 एलिमेंट्स का ही विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है, बट ऑफ इनफाइनाइट वेराइटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज आपके सामने आप अपने घर में देखते हैं कई प्रकार की आपका ना, सो मेनी आपका वैरायटीज ऑफ दाल्स, दाल आपके पास है, सो मेनी वैरायटीज ऑफ राइस आपके पास, चावल है, वीट आपके पास होता है, चीनी आपके पास होती है, चीनी में भी आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं सारा, तो वो सारी चीजें एंड मे बी आपका बिल्ट फ्रॉम देम, और जो भी उनसे बनाए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस वॉज नाउ सेड बाय रोनाल्ड आपका हॉफमैन HOFF, उन्होंने ये डेफिनेशन उसके लिए। केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस का इसमें अध्ययन आता है आपका, कैसे बनते हैं, हाउ दे फॉर्म, यानी कि उनकी जो आपका कंपोजिशन होती है, उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट आपके पड़े होते हैं, उन कंपोजिशन का विज्ञान है आपका।
उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी बनावट क्या होती है, आपका नाम देखो तेजा वो है आपका नाम, एंड हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म इट, आपका नाम ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी आप कैसे करते हैं, सो मेनी थिंग्स आर आपका नाम। जैसे हाइड्रोजन और वाटर दोनों को आपने कंबाइन किया, यू आर गेटिंग द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपका वाटर बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप बनता है कब, जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपका रिएक्ट करते हैं, वो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन आपका। ये सारी चीजें दीज एस्पेक्ट्स जो भी एस्पेक्ट्स हैं आपका देखो कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूट उनके बेसिक कॉन्स्टिट्यूट क्या है ऑफ मैटर। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा और मैटर के अंदर दो चीजें आती है एटम्स एंड आपका देखो मॉलिक्यूल्स। जैसे आप सेल बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, ऐसे आपका मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम कह सकते हैं आप फिजिक्स के लैंग्वेज में। बारह वो तो बात को डेफिनेशन तो हम बात को कहेंगे। दैट्स वाई केमिस्ट्री रसायन विज्ञान जिसको आप इन हिंदी यू कैन से दैट आपका नाम इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एन एटम एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये अणु और परमाणु का आपका एक विज्ञान है आपका नाम देखो दिस इफ वी लुक अराउंड अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो वी सी सो मैनी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोग लिविंग में आ गया, क्रॉलिंग इंसेक्ट आ गए, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए जिनमें जीवन होता है, पत्थर है, ये लकड़ी है, ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है आपका नाम। जब तक पेड़ होगा, जब तक जिंदा पेड़ होगा तब तक आपका नाम वो लिविंग में होगा, क्योंकि ये भी आपका क्या करते हैं खाना बनाते हैं आपका नाम देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आपका नाम। तो ये सारी चीजें आपका लिविंग एंड वेदर ब्लैक बोर्ड, चाहे ये ब्लैक बोर्ड हो, चाहे आपका कंप्यूटर चिप हो, कुछ भी हो आपका नाम देखो दिस, चाहे आप खांसी आजकल सबको हो रही है, चाहे आपका कफ सिरप, ये सारी चीजें केमिस्ट्री इज नीडेड टू मेक इट। सब चीजों को बनाने के लिए केमिस्ट्री ही चाहिए। दीज थिंग्स ये जितनी भी चीजें आपका लिख रहे हैं अपने अराउंड में आपका चारों तरफ देख रहे हैं डिफरेंट डियर प्रॉपर्टीज, इनमें जो भिन्नता होती है इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे होती है, लाइक कलर, इनका साइज, इनका रंग कैसा है, इनका साइज कैसा है, इनका शेप आपका कैसा है आपका नाम देखो दिस, इनकी स्मेल कैसी है ये आपका नाम, एंड इनका टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर, इनकी बनावट कैसी है, इटिसिटी, ये सारी चीजें। अब दाल है, दाल ही देख लो आप, अरहर कहते हैं, अरहर पीले रंग की होती है, पीले रंग की दाल आपकी चने की भी होती है, मलका होती है, मलका आपकी बड़ा मलका छोटा मलका भी होती है जिसको मसूर कहते हैं आपका नाम देखो दिस, चना आप छोला कहते हैं, घोड़े वाला चना काबुली चना आपका हो गया, राजमा, और राजमा के लिए आपका नाम देखो, राजमा सबसे ठंडे प्रदेश में होती है, और याद रखेगा हल्द्वानी में जो राजमा चलती है वो मुंशियारी की राजमा और चंपावत की राजमा। जितना हाई एल्टीट्यूड होगा, जितना ज्यादा जहां पे बर्फ गिरेगा उतनी ज्यादा राजमा अच्छी होगी, उसकी तासीर अच्छी होगी, याद रखिएगा। आप पहाड़ों में तोर कहते हैं आपका नाम, भट आपके होते हैं आपका, सोयाबीन आपकी होती है आपका, तो दालें क्या करके उनके नाम से भी आपका देखो डिफरेंट, उनका स्ट्रक्चर आपका बनावट डिफरेंट, उनके कलर डिफरेंट, उनका शेप आपका अलग अलग आपका नाम देखो दिस। तो हाउ आर दीज डिफरेंट थिंग्स, हाउ आर दीज डिफरेंट थिंग्स प्रोड्यूस्ड
कैसे आपका ये प्रोड्यूस की जाती है आपका देखो वाई डू दे डिफर, ये भिन्न क्यों है आपका नाम देखो देखो इन देयर प्रॉपर्टीज, अपने इनकी प्रॉपर्टीज आपका देखो नाम, इन जवाबों को इनका जब आपको आंसर चाहिए होगा तब हम मैटर पे जाएंगे। इज इट क्लियर? सुना व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, वो जो मामला होता है क्या बात है, बात दैट बात इज दिस इज द मैटर, इस मैटर में आपका नाम, यहां पे आप मैटर जब कह देते हैं तो ये मैटर थोड़ा सा अलग से आपका हो जाता है, तो मैटर मैटर कहते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जी स्पेस मास एंड वॉल्यूम, स्पेस एंड हैज इट्स मास, जिसका आपका मास होता है इस कॉल्ड आपका मैटर, उसका आपका मैटर बस ये आपका मैटर। लेकिन इन सब को जाने से पहले मैं आपको इस पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, तब मैं मैटर में आऊंगा। इज इट क्लियर? केमिस्ट्री की शुरुआत ही वहीं से होनी चाहिए। ये देखिएगा व्हाट वी आर सेइंग दैट इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट द इनफिनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी। ये देखो यहां पे आप इसको देखिए या इसको देखिए, दोनों में से देखिए आपका, ये देखिए, ये देखिए आपका, ये आपके जो होते हैं देखो आपका दीज आर द पीरियड्स, ये देखो ये जो यहां जहां मैं अंगुली, ये देखो ये ऐसे अगर आप जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस में फिल गो दैट दीज आर नोन एज आपका नाम देते पीरियड्स। तो हमारे पास वी हैव द 7 पीरियड्स, ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है विच इज प्रिपेयर्ड बाय मोजले सर और बोर सर ने अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आगे जाकर के आपकी बहुत ज्यादा क्लियरिटी हमने दी हुई है इसमें आपका नाम देखो दिस। और ये ऐसे अगर आप जाएंगे ये वर्टिकल कॉलम्स के थ्रू, जो मैं आप फिंगर देखो, आप मेरी फिंगर को देख रहे हैं ऐसे, ये आपके ग्रुप्स होते हैं, तो देयर आर आपका देखो 18 ग्रुप्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ग्रुप्स होते हैं इसमें, देख लीजिएगा इधर सर प्लीज। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं देखो आपका ये आपके देखो ये फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप, ये देखो यहाँ ये देखो ये बोरोन वाला देखो आपका थर्ड ए 13 ए फोर्थ ए 14 ए फिफ्थ ए 15 ए सिक्स्थ ए 16 ए सेवन्थ ए 17 ए एट्थ ए या 18 ए या जीरो ग्रुप इसको कहते हैं ग्रुप, ग्रुप आर द वर्टिकल कॉलम्स। और ये जो बीच में देखो ये येलो दिख रहे हैं ये पूरे ए ग्रुप है, और ये जो बीच में देखो आपका ना ये देखो ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये येलो, ये देखिए दीज आर द बी ग्रुप्स, बी ग्रुप आपका देखो हमेशा स्टार्ट होता है आपका देखो ना दिस इज द ये आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन टेंथ इलेवंथ बी को आपका फर्स्ट बी भी कहते हैं देखो, और ट्वेल्थ बी को आपका नाम देखो सेकंड बी भी कहते हैं। और नीचे यहां पे 57 से लेके 71 इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखो आपका 57 की 56 के साथ नहीं मिल रही थी, 71 की 72 के साथ नहीं मिल रही, इतना ही समझिएगा। तो जब इनकी प्रॉपर्टी इस वाले पूरे ग्रुप आपका पीरियड में नहीं मिल रही थी, इसलिए इनको 57 से लेके 71 तक देखो इनको अलग से एक ग्रुप बना दिया गया, जिसको आपका लैंथेनाइड सीरीज कहा गया। ये 6 पीरियड के मेंबर थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी वॉज नॉट मैचिंग विद द 56 टू टिल 72। उसके बाद सेवंथ ग्रुप में आपका सेवंथ पीरियड में आप आए सॉरी 88 के साथ 89 मैच नहीं कर रहा था 103 की, यानी कि इनके आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी मैच नहीं कर रही थी, इसलिए 89 से लेके 103 को एक नया नाम दिया, एक नई सीरीज दी, दैट वॉज नोन एज एक्टिनाइड सीरीज। मतलब अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अगर हमने लॉन्ग पीरियडिक टेबल का जिक्र नहीं किया तो मैं तो सोचता हूं फिर केमिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए। अभी अभी आपने रोनाल्ड हॉफमैन ने आपका कहा था ये 118 का एलिमेंट्स का कलेक्शन नहीं है बल्कि वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें इनफाइनिट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है आपका देखो, इसलिए मैंने इसको यहां पे लिया। अब मैटर्स की मैंने खाली डेफिनेशन लिखी आपका इधर देखिए। अब आप सबसे पहले केमिस्ट्री में ये जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है खाली एक दे रहा हूं आपको, शायद आपको स्कूल में तो किसी ने समझाया नहीं होगा लेकिन मैं समझा रहा हूं देखो। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को बनाया मेंडलीव सर ने, पहले मेंडलीव सर ने एटॉमिक मॉसेस के हिसाब से बनाया, लेकिन ये थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं रहा,
वो डिटेल हम बात को सारी पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद मेंडलीफ सर के संरक्षण में अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेंडलीफ सर मोजले सर आए। मोजले सर ने भी 1930 में आपका ये अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर उन्होंने दिया आपका एटॉमिक नंबर, और इसी के साथ ही आपका नील्स बोर, ये जिस बोर NIES नील्स बोर सर ने भी 1930 में अपनी स्टडी में एक फॉर्मूला निकाला 2n2। उन्होंने कहा कि ये डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपका नाम आर केप्ट इन डिफरेंट आपका नाउ सेल्स, और इसी के हिसाब से लॉन्ग पीरियोडिक टेबल LPT या इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ये मैटर से पहले इसलिए बता रहा हूं कि आप कह रहे मैटर इन अवर सराउंडिंग, व्हेन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग यू आर गेटिंग अप इन योर होम, आप चाय का बर्तन ले रहे हैं, दैट यूटेंसिल दैट फ्राई पैन इन विच यू आर आपका जस्ट हीटिंग वाटर या वार्मिंग वाटर आपका या चाय आपका यू आर प्रिपेयरिंग योर टी फॉर योर पेरेंट्स फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रीथिंग इज आर्ट। जो आप लाइटर यू आर यूजिंग आपका नाम फॉर वो भी आपका क्या है आपका नाम दैट इज ऑल्सो मेड बाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो चाय पत्ती आप कह रहे हैं टी लीफ आप कहते हैं या जिससे आप छानते हैं या आपका शुगर कहते हैं या दूध आपका मिल्क आपका हो गया व्हाट इज दैट, ये सारा आपका नाम देखो। अब सॉलिड लिक्विड गैसेज हम बात करें, अभी हम सिर्फ मैटर की बात कर रहे हैं मैटर। उन सारे मैटर्स में आपका देखो ना ये लॉन्ग पीरियडिक टेबल में ये 100 एलिमेंट्स में आपको लगभग 1 to 30 तक तो कंप्लीट बाय हार्ट होने चाहिए। इसको याद कर रहे हो ही ली बी बक नो नो फॉ नी ना मग अल सी फस कल आर कका। देखो सुंदर सा ए, इसके पीछे सफिक्स रखिए सुंदर सा टी आई टी के पीछे समय सुंदर सा टी वी खरीदा मैंने फिर क्यों क्यों निकला कॉपर जी। दिस यू हैव टू रिमेंबर लर्न बाय हार्ट जिसको क्रोनोलॉजिकल स्टडी कहते हैं आपका। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपका एटॉमिक नंबर याद रखेगा। वन बेबी अ न्यू बॉर्न बेबी जब जन्म लेता है आप उसका हॉरोस्कोप तैयार करते हैं हॉरोस्कोप जन्म पत्री जन्म कुंडली आगे जाकर के हमारा बच्चा क्या बनेगा, पढ़ेगा नहीं तो साला राष्ट्रपति बनेगा भारत का पता नहीं, अरे पढ़ेगा नहीं तो क्या खाक बनेगा, पढ़ना पड़ेगा हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस बनने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सबसे ज्यादा जिंदगी में आपका नाम इन्हीं में तो पढ़ाई करते हो। हॉरोस्कोप के लिए दो चीजें होती हैं, एक तो आपने कहा पंडित जी आज 11 तारीख को हमारा बच्चा सुबह 6:10 में पैदा हुआ, बस आज 11 तारीख है, आज 11 मई है और 2022 ईयर है, 11 तारीख है तो आज का थर्सडे है, आपने दो चीजें बताई पंडित जी को, आज 11 तारीख को 6:10 पे हमारे घर में एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है बस। इसके बाद पंडित जी जन्म पत्री बना देते हैं बिल्कुल, आगे जाकर के पढ़ेगा नहीं तो क्या बनेगा आगे जाके, अरे आप चिंता मत करो इसका तो भविष्य बहुत उजाला ऊंचा है, इसके तो आगे गाड़ी होंगी पीछे गाड़ी होंगी इधर से गाड़ी घूम रही होगी, पता चला बात को ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना हॉरोस्कोप तो ये इतना बता देता ना ठीक है ना, लेकिन उसके लिए सबके लिए मेहनत जरूरी है याद रखें, ये तो मैं मस्ती कर रहा था। ऐसे ही दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक एटॉमिक नंबर एक एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को आपका मास नंबर भी आपका कहा जाता है और इसको आपका एटॉमिक वेट भी आपका कहा जाता है, दीज आर द बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ एटॉमिक मास, ये इसके पर्यायवाची शब्द समझ लीजिएगा। जैसे जल का आपका नीर अंबु तोय कहते हैं, सूरज को दिनकर भास्कर रवि पता नहीं क्या क्या कहते हैं आपका, ऐसे इसका भी
एटॉमिक मास को आप मास नंबर एटॉमिक वेट कह सकते हैं। इसके हिसाब से आप किसी भी एलिमेंट को अगर आप ले लेंगे इनमें से, देखो आप इनमें से इसका पूरी जन्म कुंडली आप तैयार कर सकते हैं। आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ द जियोलॉजी बट आई नो केमिस्ट्री वेरी परफेक्टली, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इसमें। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मोसले सर और नील्स बोर साहब ने, मेंदीप सर ने के अंडर गाइडेंस में काम किया, और बात को उन्होंने एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम, ये देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. जेडन का एटॉमिक नंबर 30 होता है, देख लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, आप वहां देख लीजिएगा। आप क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका देखो 17। तो इसको देखो, इसको अगर हिंदी में आपने लिखना है, मेरी हिंदी बहुत पोअर है लेकिन फिर भी मैं समझाने के हिसाब से आपको लिख रहा हूं। देखो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड टू टीच, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। लेकिन फिर भी मैं, अगर आप अंग्रेजी में इसको इफ यू कैन रिमेंबर इट आपका बाय हार्ट देन देयर इज नो प्रॉब्लम टू मी। लेकिन मैं हमेशा, क्योंकि हिंदी में कुछ चीजें, हिंदी इज अवर मदर टंग, हमारी मातृभाषा है, तो हमें वी शुड नॉट फॉरगेट टू हिंदी, इसको भी हमने बोलना है। तो देखो हाँ, हंसना मत क्योंकि मैं बहुत नहीं लिख पाता हूं। हॉ ही ली बी बक बक नो बक नो नो तो नो बक नो फॉ 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 मैंने फुबारा वाले फॉ नी नी ना ना मग अल अल सी इधर देखिए सर प्लीज फर्स्ट कल डिस्टर्ब मत करेगा आर कक्का सुंदर सुंदर ऐसे लिखा जाता है सुंदर सा इधर सुंदर सा टी वी इधर खरीदा मैंने फिर क्यों कोबाल्ट निकिल निकला कॉपर जिंक ये आप किसी भी चैनल में देख लोगे ना आज मैटर पढ़ाने वाले में टॉप लेवल किसी ने नहीं बताया होगा। आज घर जाके ये देख लीजिए, मैं शुरुआत ही इससे करता हूं। अगर किसी बच्चे को 30 तक अगर याद नहीं है फिर मैं कहता हूं उसको केमिस्ट्री मत पढ़े यार, कहीं चले जाते। तो देखो ये हो गया, पहले तो आपको ये बाई हार्ट करना पड़ेगा आपका, देखो ना तब जाकर के मैं मैटर की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। इससे आपको क्या होगा, इसको पढ़ाने का मेरा लॉजिक क्या है, क्योंकि मैटर इन आवर सराउंडिंग के बाद जो इसके साथ लगा हुआ नेक्स्ट चैप्टर है वो इस मैटर अराउंड अस प्योर है आपका। नाम देखो उसमें भी आपकी सारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंसेस मिक्सर करेक्टरिस्टिक्स मिक्सर आपका मिक्सर सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलाइडर सब सबके अंदर में एटम्स है, सबके अंदर मॉलिक्यूल्स है, सब मैटर है, सब उसके अंदर आएगा। तो उससे पढ़ने के लिए हमें जो 100 एलिमेंट्स में से कम 30 तो कम से कम याद आना चाहिए। इसमें 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 आप देख रहे हैं, इसीलिए मैंने एक लाइन में लिखा है इसको। देखो ये जो ऊपर वाली सीरीज आता है इसको आपका ग्रुप ए कहते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप ए को आपका नॉर्मल भी कहते हैं, नॉर्मल ग्रुप। और ये जो 21 से लेकर के आप 30 तक देख रहे हैं ये आपका बी ग्रुप है, बी ग्रुप, और इसको हैवी मेटल ग्रुप भी कहते हैं, HEAVY हैवी मेटल ग्रुप। जब केमिस्ट्री के अंदर घुसना है तो पूरा पालना पड़ेगा। और ट्रांसिशन एलिमेंट अक्सर सुनने में आता है, आप नए बैच है पुराने बैच वाले, सर मैम ने कहा है या सर ने कहा एटॉमिक मास क्या याद करना वो दिया होता है। अरे मैं इंटेलिजेंट बच्चा बनूंगा तभी तो बनूंगा जब मुझे एटॉमिक मास भी याद होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे रोज केमिस्ट्री के, जैसे क्या होता है आपको आपके घर में कौन सी चीज कहां पर रखी हुई आपको पता होता है। अगर आप नींद में भी जाते हैं आपको पता है अरे यार स्विच बोर्ड तो यहां लगा, आप रात को टॉयलेट जाते हैं ना तो आप फट से नींद में ही उसको लाइट जला। सेम है
केमिस्ट्री अगर आपको परफेक्ट करनी है तो इनको भी अंधेरे में भी आपको ये याद होना चाहिए, उजाले में तो याद होगा ही होगा आपका नाम। तो सबसे पहले इनको आप याद करें, क्योंकि मैटर हम पढ़ रहे हैं और मैटर आपने बोला है कि आपका नाम देखो दिस इज द इट हैज अ मास एंड इट ऑक्यूपाइज द स्पेस। तो वो क्या है? वो एटम है। वो क्या है? मॉलिक्यूलर। वो क्या आपका मैटर। तो ये चीजें पहले एक चीज इसको याद कर लीजिएगा, फिर मैं तब आ रहा हूं उसी पर। ये मैं सुनूंगा आप लोगों से, क्योंकि जब आपको एटॉमिक नंबर पता हो जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, इन्हीं से तीसरा और चौथा चैप्टर भी आपका यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा और यहीं फिनिश हो जाएगा। इतना समझा दूंगा मैं आपको, तो प्लीज जरा जल्दी करिएगा। ये 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट इन डिफरेंट सेल्स आपका नाम, बस इतना ही लिखना आपने। ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है कि हिंदी में बहुत जल्दी याद हो जाता है। और अभी मैंने एक एग्जांपल आपका हॉरोस्कोप की बात की थी, उसमें मैंने कहा था कि हम कहते हैं आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, बात को ट्रैफिक पुलिस बन गया। ट्रैफिक पुलिस को आप ऑर्डिनरी आदमी मत समझो, जिंदगी की डायरेक्शन देने वाला टीचर होता है जो मैं खड़ा हूं, और सड़क के नियम और कानून सिखाने वाला वो टीचर होता है जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर या ट्रैफिक पुलिस होता है। तो ट्रैफिक पुलिस को कभी इतने हल्के में मत लेना, अगर वो अपनी औकात से बाहर आ गए ना तो आपका चालान क्या, आपका सीधा चालान तो काट दिया तो ठीक है, गाड़ी को भी सीज करवा सकते हैं उठा करके। तो समाज की डायरेक्शन हम देते हैं, और सड़क में किस बदतमीजी और किस तमीज से आपने चले थे और चलना चाहिए वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर ही सिखाता है, ये याद रखिएगा। इसलिए मेरा अपने इस वीडियो के माध्यम से उनको पॉइंट आउट करने का मतलब कि जिंदगी में दो ही टीचर है, एक तो वो जो क्लासरूम में और क्लास के बाहर, ये तो हिंदुस्तान में हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य कि हम भी और वो बेचारे भी सड़क में रह करके कुछ नहीं सिखा पाते इस समाज को। अगर हमारे ऊपर पूरा संविधान ही कहते कि तुमने पढ़ाना है जी, फिर हमें तुम्हें मार के पढ़ाए समझा के पढ़ाए, वो हमारा आउटलुक अगर हमारे ऊपर दे दिया जाए, आज कोर्ट्स का डंडा ना हो, मीडिया का डंडा ना हो, आदमी समझेगा ढंग से जगह बच्चा समझेगा। ये याद रखिएगा, आप रैश ड्राइविंग करके आ रहे हो, आप रेड लाइट में जंप कर रहे हो रेड लाइट को, तो कौन तमीज सिखाएगा? वही इंस्पेक्टर, उससे उलझोगे गाड़ी सीज कर देगा, हालत खराब कर देगा, 10 तो केस बना देगा। एक आप ट्रैफिक के पुलिस वाले को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आप कभी आंख नहीं दिखा सकते, ये याद रखिएगा। आज तो आदमी अपने पैसों के हनक में कुछ भी कर लेता है, लेकिन समाज को आईना दिखाने वाले यही दो लोग हैं। इसलिए मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से, हो सकता है कि मेरा वीडियो कोई देखे, कोई पुलिस वाला देखे, कोई इंस्पेक्टर देखे, ट्रैफिक वाला, वो कहेगा रावत जी तो मजाक कर रहे थे हमारे। मेरा मजाक नहीं, मैं तो गाड़ियों के बेस पे कह रहा था, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को जो कि सारी डायरेक्शन उन गाड़ियों को देता है, उसमें अच्छे ड्राइवर भी होते हैं, उसमें बदतमीज ड्राइवर भी होते हैं, बदतमीज ड्राइवर को लाइसेंस सिखाने वाले भी वही लोग होते हैं। बहरहाल मेरा आप समझ गए ना, क्योंकि कई बार वीडियो होता तो इसमें टांग। अब देखिएगा, अब आ जाइएगा आपका नाम। सबसे पहले अगर आप मैटर की हमने डेफिनेशन लिख दी अभी, कि नीचे एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड विच हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर में टू नेसेसरी थिंग्स फॉर सर्वाइविंग द लाइफ इज एयर एंड वाटर विच यू आर गेटिंग इन दिस अर्थ, और जो धीरे धीरे हम ही लोगों की गलतियों के कारण डिसअपीयर हो। इसमें भी जब पाठ पढ़ रहे हैं ना, लेसन पढ़ रहे हैं, तो खाली हवा में मत पड़िए। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये बात को हम करेंगे। इसमें कौन कौन सी गैसेस है? स्टीम होती है आपका, आजकल तो पॉल्यूशन भी है, आपका डस्ट भी हो गया आपका ना, उसमें हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, कार्बन भी हो गया आपका। वाटर इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, दोनों ही गैसेस। जल जंगल जमीन तीनों को बचाओ, जे 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 ट्रिपल जे। इसका मतलब जब भी आप मकान बना रहे हैं, आपके बाउंड्री के अंदर दो पेड़ तो कम से कम होने चाहिए,
ये याद रख लीजिएगा, कभी आप जल जंगल जमीन को, आज आप कह रहे बंदर आपके घर तक पहुंचा है, क्योंकि जब आपने उनका आशियाना छीन लिया, फॉरेस्ट इज व्हाट द होम ऑफ द वाइल्ड लाइफ, आपने पूरे जंगल काट करके सीमेंटेड जंगल बना दिए, तो ना जल जंगल जमीन पे, सरकार को तो जब करना तब करना है, आपको सबसे पहले, बिकॉज यू आर द यंग जनरेशन ऑफ दिस यंग इंडिया, आपको इसके बारे में भी पहले जल बचाओ, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, इन तीनों से सॉयल कंजर्वेशन आपका हो जाएगा, सॉयल कंजर्वेशन। कंजर्व, कंजर्व का मतलब टू सेव, टू प्रोटेक्ट। जब आपका जल जंगल जमीन बचेगा, सॉयल कंजर्व होगा, सॉयल के अंदर इतने कॉस्टली कॉस्टली आपके मिनरल्स हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल मैंने जो आपको बताया, सारे मिनरल सब उसी के अंदर है, जमीन के अंदर है। आप धरती माता इसीलिए कहते ना, माता मीन्स कि जो आपको बर्थ देने से लेके आपको आपके बचपन में सारे आप सुसु करते हैं, पॉटी करते हैं, आपके कपड़े चेंज करना, आपको नहलाना, धुलाना, खाना, मतलब एवरीथिंग, सी लुक आफ्टर, सी फॉस्टर यू इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ टिल आपको चलना सिखाते हैं, जिंदगी के ऑल द एक्सपीरियंसेस विच यू टीचेस दैट यू टीचेस फ्रॉम योर होम। सो योर मदर इज द फर्स्ट और द प्रियर टीचर ऑफ योर लाइफ, आइदर यू आर सक्सेस और नॉट सक्सेस, उसके पीछे नहीं जाना। तो देखो इसलिए पी 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 रिमूव कर, पी फॉर पॉलिथीन, पी फॉर प्लास्टिक, वही होगा पॉलिथीन यही हो गया, पी फॉर पॉल्यूशन और पी फॉर पॉपुलेशन। आगे किसी के दो बच्चे या तीन बच्चे या चार बच्चे मुझे नहीं जाना, बट फॉर द यंग जनरेशन आपका एक बेटा होना चाहिए या एक बेटी होना चाहिए, ये नहीं कि जैसे यार बेटी हो रही बेटी है, बेटा तो वही, बेटा क्या खाक कर लेगा सुसरा, जो काम बेटियां करती हैं बेटे नहीं करते, इसको आप ये याद रखें। तो आपका रिमूव हटा लीजिए, इसीलिए आप करते पॉलिथीन प्लास्टिक ने हमारे जल जंगल जमीन इनकी सब सुरक्षा पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। जब इसकी सुरक्षा में प्रश्न खड़ा हो गया, इसका मतलब वाइल्ड लाइफ में आपका प्रश्न खड़ा हो गया, वाइल्ड लाइफ अगर प्रश्न खड़ा हो गया, जंगल हमारे पास नहीं है, वी आर नॉट एबल टू सेव द फॉरेस्ट, वी आर नॉट गोइंग ए फॉरेस्टेशन एंड डीफॉरेस्टेशन। आप कहते हैं आज हम अपने स्वार्थों के लिए अपने सेल्फिश होकर के आपका मकान बना रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, लेकिन एक पेड़ उसमें नहीं लगा रहे, तो सरकार थोड़ा आपके घर में हवा का सिलेंडर भेजेगी ले तू। और आप देखिए आप उस नाइन्थ क्लास में आज दो साल बाद आप आ रहे हैं, सेवन्थ और एट्थ कोरोना पीरियड में आपने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी, इसमें दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में, कि पहले आप जल संरक्षण करें, आप भूमि संरक्षण करें। और मैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे स्कूलों में जिस दिन आपका एडमिशन होता नई क्लासेस में, पेरेंट्स को कह देना चाहिए कि स्कूल वालों ने दो दो पेड़ हर बच्चा लाएगा, और जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बैनल लैंड है वहां आपको ले जाया जाए। सपोज आपके स्कूल में सपोज 1000 बच्चे, यार जब इतनी मोटी मोटी फीस हम तुम्हारे स्कूलों की दे दे रहे हैं, तो क्या हम दो पेड़ के पैसे नहीं दे सकते, 200 रुपए के तो आएंगे पेड़। लेकिन जैसे सपोज के लिए आप किसी भी स्कूल के एक्स वाई स्कूल, नाम नहीं लूंगा मैं, एक्स स्कूल के बच्चे 1000 बच्चे, 1000 × 2 = 2000 हो गया। आप क्या करें, आपके प्रिंसिपल को, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, जो आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हो उसको जाकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आपका DFO से बात करनी चाहिए, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, कि सर आपके यहां कहां बैरन लैंड है, इस बैरन लैंड में हमारे स्कूल के बच्चे यहां पर प्लांटेशन करें, आपको ले जाएं, आपसे गड्ढा खुदवाएं। आप गड्ढा खोदने का कितनी मेहनत होती है, एक पेड़ को तैयार करने में कितना टाइम लगता है, और हर महीने में हर वीक में आपको आपका पेड़ दिखाने के लिए ले जाया जाए। जैसे ही आपने इसको आपने पेड़ लगाया, इसके बाहर से 2000 पेड़ का लगा करके
इसमें कायदे से तो हर बच्चे के पेड़ के आगे बच्चे का नाम लिखना चाहिए, उसकी क्लास लिखनी चाहिए, और उसके बाद बाहर से उसको बाउंड्री करवा करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वहां जैसे उन्होंने एक्स स्कूल नेम लिख दिया। अब इसको क्या करें, फॉरेस्ट को है ना, मैटर है, सारा मैटर ही है, पेड़ भी तो मैटर ही है ना, उसके अंदर भी एटम और मॉलिक्यूल ही है ना। अब कर दो ये जैसे हो गया, अब इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दो। अगर फ्यूचर में इसमें से किसी भी बच्चे का एक भी पेड़ अगर डाई होता है, मरता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नीचे से जो लुक आफ्टर कर रहा था, रेंजर हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, वहां से लेकर के डीएफओ तक की सैलरी कट जानी चाहिए कि बच्चों ने इतनी मेहनत की थी और उसमें आपके स्कूल टीचर का एक आदमी प्रॉपर डिप्लॉय होना चाहिए कि यार यहां इस बच्चे का लगाया हुआ कोई भी पेड़, मतलब किसी ने भी लगा, क्यों ये कमजोर है, अगर उसको लग रहा है कि ये डाई होने वाला है, उसमें नया पेड़ लगाने की जिम्मेदारी आपके स्कूल की होनी चाहिए। यानी कि इफ यू हैव प्लांटेड 2000 ट्रीज, प्लांट किया आपने नीचे, वो 2000 ट्रीज में दे मस्ट हैव टू बी कन्वर्ट। अब कोरोना पीरियड में अगर हमने नहीं सीखा, हमने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा, सिलेंडर की लाइन में हम 24 घंटे अपने पेशेंट को बचाने के लिए खड़े रहे, लेकिन आज फिर हम वही औकात में आ गए, हमें किराए का मकान चाहिए, हमारे किराएदार चाहिए हमें, लेकिन एक पेड़ हम नहीं लगाते, बुरा मत मानिएगा, सॉरी टू से, आपके परमिसेस में एक पेड़ दो पेड़ जरूर होना चाहिए, हर घर में दो पेड़ होना चाहिए, तब जाकर सरकार की, हाँ सरकार की बदतमीजी क्या है, सरकार क्या होती है, जब रोड बनाती, सड़क बनाती, एनएच बनाती, नेशनल हाईवे बनाती है, तो जिस कॉन्ट्रेक्टर को उन्होंने ठेका दिया, कॉन्ट्रेक्टर को ये बीच में करीब करीब, अगर आपने फोर लेन, एट लेन होगी, बीच में कम से कम इनको 3 फीट की बीच में आपको बनानी चाहिए, क्या कहते हैं इसको, डिवाइडर, इन डिवाइडर्स में भी आपका पेड़ लगा दिए जाने चाहिए और बाहर से जाली लगा देनी चाहिए। और अगर कोई कॉन्ट्रेक्टर नहीं करता है इस काम को, क्योंकि जब आप रोड बनाएंगे तो पेड़ कटेंगे, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, आम जनता को, लिविंग थिंग्स को भी नुकसान होगा, क्योंकि हमें जीने के लिए एयर चाहिए, हमें जीने के लिए वाटर चाहिए, और इनके लिए जंगल का होना जरूरी है। पहले दार्जिलिंग से ऊपर, दार्जिलिंग में आपका पहले सबसे हैवी रेनफॉल मानी जाती थी, अब आज उससे 50 किलोमीटर पर मोहसिम राम में आप जो वो भी नहीं हो रही है उतनी एवरेज बारिश नहीं हो रही। वाई? बिकॉज डिफॉरेस्टेशन इज ए कॉज, पॉलिथीन इज ए कॉज, पॉल्यूशन इज ए कॉज। आज यमुना रिवर में जितना ओखला इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया सब ने क्या किया, अपनी केमिकल फैक्ट्री का केमिकल आपका जो है नालों में बहा करके, नालों के थ्रू ये यमुना रिवर में आ गया। एक तरफ तो कहते गंगा यमुना सरस्वती ये हमारी माँ है, उसी में आप गंदा कचरा डाल रहे, उसी में सीवर आपका डाल रहे। आप दिल्ली में जाकर के देखिए, मसनू का टीला एक जगह है, ISBT से जब आप सोनीपत पानीपत को जाते हैं, पूरे एक्सकेटरी मेटेरियल पूरा यमुना में जा। क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया, ये सब नारे बात की बात है, पहले आप अपने घर से स्टार्ट करिए। आप अगर मैटर पढ़ रहे हैं और मैटर में आपका एयर एंड वाटर आपका पढ़ रहे हैं, आपका दिखाने ये बीच में आपका पूरे पेड़ लगने चाहिए। दिल्ली टू मुरादाबाद हाईवे देख लीजिएगा, पूरा है, इतने चौड़े थे साले बुशेस लगा रखे वहां पर, वो भी जब गर्मी में आपका ट्रक उसमें से फेंक रहे हैं, क्या ना कहते हैं ब्लैक कलर का कार्बन आपका जो फेंक रहे हैं, गाड़ी का धुआं स्मोक निकल रहा है, वो भी साले काले होकर के मुरझा जाए। हम पेड़ तो लगाते हैं, लुक आफ्टर कौन करेगा? वाई गवर्नमेंट हैज आपका डिप्लॉयड दिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्या काम है उसका, निगम का काम क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उनका काम है टू कीप लिव द फॉरेस्ट, एक एक प्लांट की जिम्मेदारी, तो ये आपका ऐसा होना चाहिए इसमें। और अगर जिस बच्चे का प्लांट मिलता है मरता है, उसको भी दिखने जाना आपने, उसकी भी जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी, प्रिंसिपल की, उनको अगर किसी सपोज के लिए किसी स्कूल ने 2000 पेड़ लगाए, उनके बच्चों ने इतनी मेहनत करके, उसमें से अगर आपका 10 पेड़ मर जाते हैं, उस स्कूल को एक ग्रेड सर्टिफिकेट मिलना ही नहीं चाहिए। क्या खराब में मिलेगा एक ग्रेड? तो देश का अगर एनवायरमेंट बचाना है, देश में अगर जल जंगल जमीन पे चर्चा होती है,
तो दैट मस्ट बी लिफ्टेड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, मस्ट बी सॉल्व थ्रू द स्कूल्स, कॉलेजेस। कॉलेज में जो बच्चा पढ़ने जा रहा है, वो चाहे मेडिकल कॉलेज में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, सबको एक एक पेड़ लगाना, दो दो पेड़ लगाना जरूरी हो जाना चाहिए। आप कोई काम करें ना कमें, अपने बर्थडे पे एक पेड़ आप जरूर लगाएं। मेरे यहां भी एक पेड़ सूख गया आम का, तो मेरी मॉम की अब 16 या 17 को बरसी है, थर्ड एनुअल। पिछली बार उनके एक बरसी में एक पेड़ लगाया है, दो पेड़ मेरे मैंगो के सूखे थे, इस बार फिर मैं उनकी बरसी में एक पेड़ और लगाऊंगा। यू कम टू माई अका होम, दैट इज ए वेरी स्मॉल होम, लेकिन तीनों तरफ से आपको पेड़ नजर आएंगे मेरे यहाँ घर पर। क्लीन इंडिया की बात तो हम बात को करेंगे ना, एयर और वाटर में हम कह रहे हैं कि हम तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, हम तो मैटर पढ़ रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमने एयर और वाटर का ले लिया, तो ये पढ़ने से पहले खाली किताबी नॉलेज, किताबी कीड़ा होना जरूरी नहीं है। हमने तो पढ़ लिया मैटर इन आवर सराउंडिंग में, क्या खाक पड़ा आपने। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं बने, और हमने आपको प्रैक्टिकल नहीं बनाया, और मैं खुद प्रैक्टिकल नहीं बना, ये चीज आपका एयर एंड आपका देखो हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करें, देखो मैंने यही पे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर। आपने बोला कि जब हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल के फोर एटम हाइड्रोजन के, जब ऑक्सीजन वन मॉलिक्यूल के टू एटम के साथ आपका रिएक्ट करेगा, तो ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल। जनरली वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब रिएक्शन करवाते हैं तो अकॉर्डिंग टू इनका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स और आपका इनर्ट गैस, इनमें सारे सारे ग्रुप्स में आपके, उनके बेसिस पे आपका नाम ये डिसाइड किया जाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा। नहीं तो मैं भी पढ़ा देता, मैं भी किताब देख करके, एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर एंड से, इनका केमिकल फॉर्मूला भी आपको देखना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये चीजें आप पढ़िएगा, तब जाकर के आपका एनी हो, कल आपसे मुलाकात होती, चर्चा को कंटिन्यू करेंगे कल। ये आपकी आज शुरुआत थी एक।